चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मैक्रोनी की रेसिपी जो कि बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और इसमें सिर्फ मैं तीन चीज़ें यूज़ करूँगा, एक प्याज, शिमला मिर्च और आपके टमाटर, और ये धनिया मैंने ली है सिर्फ गार्निशिंग के लिए। और ये देखिए, ये मैंने मैक्रोनी बॉईल कर ली है। और हमेशा याद रखिएगा, मैक्रोनी को बहुत अच्छे से, बहुत ताकि ये चिपके नहीं, तो इसको हमेशा गर्म पानी में डालें। ठंडे पानी में मैक्रोनी को कभी भी मत उबालें, पानी हल्का सा गर्म कर लें, फिर उसमें मैक्रोनी को मिला दें। और चलिए, ये सब मेरा मसाला तैयार है, मैं रेडी होता हूँ। और ये डिश की प्रिपरेशन चलिए दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। और इसमें मैं ये प्याज मिला दूँगा, सारे इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगा। ये देखिए, प्याज यहाँ पे हल्का हल्का इसको ब्राउन होने तक हम लोग पकाएंगे। और इसमें अभी हम देखिए यहाँ पे नमक भी मिला लेंगे, और हम कोई भी इसमें मसाले का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपना टमाटर और शिमला मिर्च भी इसमें डाल दिया है, और अब इसको मैं अच्छे से पकाऊंगा। तो ये देखिए, मैंने जो बॉइल्ड हुई मैक्रोनी रखी थी अलग से, वो इसमें मिक्स कर दी है, और अब इसको मैं अच्छे से चलाऊँगा ताकि मैक्रोनी जहाँ कहीं भी आपकी चिपक रही है उसके एक 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 दाने अलग हो जाएँ। तो ये देखिए, मेरी मैक्रोनी एकदम बन के तैयार है। बस मैं इसमें हल्की सी धनिया ऊपर से डालूंगा, इसको मिक्स कर दूंगा, और थोड़ी सी धनिया मैंने रखी हुई है गार्निशिंग के लिए, जो कि मैं बाद में ऊपर से यूज़ करूंगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये, आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक भी मसाले यूज़ नहीं किए हैं। तो आप लोग एक बार बिना मसाले के इस मैक्रोनी को टेस्ट करके देखिएगा, घर में बनाइए और टेस्ट करिए, मुझे अपने रिव्यूज़ दीजिए, मुझे कमेंट्स दीजिए, बताइएगा आपको कैसी लगी। तो ये देखिए, मेरी मैक्रोनी बन के तैयार है। मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया, और मैंने हल्की सी इसके ऊपर से जो धनिया बची हुई थी वो भी डाल दी है। और मेरे पास एक देखिए हर्ब, मिक्स्ड हर्ब्स का एक मिक्सचर है, मैं उसको भी यूज़ करूँगा, जो कि गार्निशिंग के लिए बहुत अच्छा है, और इससे हमारी मैक्रोनी देखने में बहुत अच्छी और स्वाद में भी बहुत अच्छी है। और चलिए, तो हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। और इसमें याद रखिएगा, मैंने कोई भी मसाले यूज़ नहीं किए, मैंने बिना मसाले के इनको बनाया हुआ है। तो आप लोग भी घर में इसको ट्राई करिए, और मुझे बताइए अपने कमेंट्स में, मुझे बताइए आपको कैसे लगी है मैक्रोनी बिना मसाले वाली। और चलिए, मिलते हैं दोस्तों फिर अपने नए वीडियो में एक और नई डिश के साथ। थैंक यू।